गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? जैसे कि हम एक स्टोरी बता रहे हैं कि राम जंगल में गया, वहाँ पर उसने आम का फल तोड़ा, उसके बाद उस आम को अपने दोस्त मोहन और सोहन को दिया। मोहन और सोहन को भी आम बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम राम मोहन सोहन इसके बदले कुछ और बोल सकते हैं क्या? जैसे बार बार उनका नाम ले रहे, राम जंगल गया, राम ने आम तोड़ा, राम ने मोहन और सोहन को दिया, मोहन और सोहन को आम बहुत अच्छा लगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि राम जंगल गया, उसने वहाँ आम तोड़ा और उसने अपने दोस्तों को मोहन और सोहन को दिया और मोहन और सोहन दोनों को ही आम अच्छा लगा। तो हम क्या किए यहाँ पे, जो संज्ञा है संज्ञा के स्थान पर हम कुछ और उसने उसको इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किए। तो जब भी हम संज्ञा के स्थान पर किसी और शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण क्या होता है, वह वो उसका उसकी उसके, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो जिन भी शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान इसके बदले हम जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो वहाँ उसका आगे पीछे, इस प्रकार के जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ये कहलाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम ही ये होता है कि संज्ञा के बदले जो आसानी से बोला जा सके, वह वो उसका, बार बार एक ही नाम ना लिया जाए, संज्ञा का प्रयोग ना हो, तो जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है सर्वनाम। तो इस पाठ में हमने संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम के विषय में जाना। और सर्वनाम शब्द के उदाहरण क्या है, वह वो वहाँ उसका, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में इतना ही है कि संज्ञा के स्थान पे जिस भी शब्द का प्रयोग होता है वो होता है सर्वनाम। तो इस पाठ में हमने इतना पढ़ा। इसके अभ्यास जो है आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।